नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बोह गांव में 5 साल की वैष्णवी की किडनैपिंग और हत्या को अंजाम देने वाला जुवेनाइल लड़का बेहद शातिर है। वैष्णवी से जुड़े कत्ल की कहानी भी उसने क्राइम पेट्रोल देखकर रची थी। हालांकि वह किडनैपिंग के बाद 20 लाख की फिरौती लेकर बच्ची को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने पकड़े जाने के डर से बच्ची को 8:15 बजे पानी में डुबोकर मार डाला। यह खुलासा जुवेनाइल ने पुलिस पूछताछ में किया है। बुधवार शाम गांव बोहो में रहने वाली वैष्णवी चाचा को चाय देने गई थी, फिर वह खेलने लगी। तब किसी ने उसका अपहरण कर लिया। परिवार को यह बात बहुत देर से पता चली। अभी वह वैष्णवी को इधर उधर तलाश रहे थे कि शाम 7 बजे के आसपास एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसने वैष्णवी के परिवार से बच्ची को छोड़ने की एवज में 20 लाख की फिरौती मांगी। उसी समय परिवार ने पुलिस को सूचित किया। अलर्ट होते ही पुलिस ने किडनैपर की तलाश शुरू की। रात करीब 1:30 बजे पुलिस को पता चला कि जिसने बच्ची का अपहरण किया है वे उसी इलाके में रहता है। लिहाजा शक के आधार पर पुलिस ने जुवेनाइल से पूछताछ शुरू की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कूलर से बच्ची का शव बरामद किया गया, मगर इससे पहले वे जुवेनाइल बच्ची को पानी से भरे टब में डुबोकर मार चुका था। किसी को शक नहीं हो इसलिए शव को कूलर में छिपा दिया था। पुलिस पूछताछ में जुवेनाइल ने वारदात से जुड़ी तमाम कड़ियों का खुलासा कर दिया है, जिसे गुरुवार शाम जेजे बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। वहां से उसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला जुवेनाइल अमित सूद के बगल वाले मकान में रिश्तेदारों के पास रहता है। कई दिन से वे अकेला ही रह रहा था। इस साजिश को उसने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया है। जुवेनाइल को यह आइडिया उसे एक फिल्म और क्राइम पेट्रोल देखकर आया था, क्योंकि उसके पास पहले से यूपी के एड्रेस पर एक सिम पड़ा था, इसलिए वे इस साजिश को आसानी से अंजाम दे सकता था। प्लान के मुताबिक उसने बुधवार शाम 4:30-5 बजे घर के बाहर खेल रही वैष्णवी को लैपटॉप पर मैजिक देखने के बहाने बुलाया और फिर उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। उसने केमिस्ट शॉप से 50 रुपए का रिचार्ज करवाकर अमित सूद के पड़ोसी को फिर रोती के लिए कॉल किया। यह नंबर भी पड़ोसी की दुकान पर लगे बोर्ड को देखकर हासिल किया था, लिहाजा कॉल के बाद उसने फोन स्विच ऑफ करके सिम निकाल दिया। पकड़े गए जुवेनाइल के पास से मिली स्कूल में पढ़ने वाले 4 अन्य छात्रों की लीव एप्लीकेशन। पुलिस को जुवेनाइल की जेब से स्कूल में पढ़ने वाले 4 अन्य स्टूडेंट्स की लीव एप्लीकेशन मिली है, जो 7 दिसंबर यानी बृहस्पतिवार के छुट्टी से जुड़ी हैं। अब ऐसे में अगर पुलिस इस कड़ी को सुलझाने की कोशिश करती है तो कई अन्य पर भी शिकंजा कसना तय है।